गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हम पढ़ चुके थे। उसमें कुछ फार्मूलाज थे। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक है, उसकी पीडीएफ डाउनलोड की हुई है या आप लोगों को भी ग्रुप के अंदर भेजी हुई है, तो उसी का ये पार्ट मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, जिसमें ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप देख रहे हो। जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, ठीक है। इसी को आगे जब हम ये कंसिडर करके चलें कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, तो कंपोनेंट वन सॉल्वेंट है और कंपोनेंट टू सॉल्यूट है, तो कंपोनेंट टू इज़ नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन ऑफ कंपोनेंट वन, ये मान के चलोगे तो इसको हम एन टू अपॉन एन वन लिख सकते हैं। फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ये वाला फार्मूला आप देखिए, ठीक है। डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू एम वन अपॉन डब्ल्यू वन, ठीक है। फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला ग्राफ भी आप लोगों ने देखा हुआ है, जिसके अंदर हम ये जो सॉल्वेंट वाली लाइन आपको दिख रही है, टेम्परेचर राइज़ करने के साथ साथ में प्रेशर, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जब सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं तो पर्टिकुलर उसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और उसमें भी जब हम हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर राइज़ होता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, लेकिन सॉल्यूशन वाले केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बात आ गई होगी समझ में। और इसके जो फार्मूले हैं वो फार्मूले भी आप देखिए। देखो यहाँ पर ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, डेल्टा टी बी इज़ प्रोपोर्शनेट टू एम, ये वाला, और प्रोपोर्शनेट का साइन हटाए तो डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी एम। देखो स्मॉल एम है तो ये ध्यान रखना, ये मोलेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है मोलेलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर इसका फार्मूला देखोगे तो वो फार्मूला आपको ये वाला दिखेगा, जो मोलेलिटी वाला है ना, ये वाला आपको दिख रहा है इसके अंदर। तो ये वाला फार्मूला माइंड में रखना। तो ऊपर जो आपने देखा के बी एम, स्मॉल एम है, वहीं पर ये वाला फार्मूला पुटअप कर दोगे तो नीचे आपको दिख रहा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू थाउजेंड इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू डब्ल्यू वन। तो यहाँ के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट होता है उसके लिए, और इनके लिए वैल्यूज़ क्या क्या होती है ये हम पहले देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे हम इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं गूगल मीट के अंदर, फिर भी हम रिवाइज़ करते हैं। देखो यहाँ है वाटर इन कार रेडिएटर, जो ख़ास तौर से ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि रेडिएटर के अंदर जो वाटर डालते हैं उसके अंदर कुछ सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं ताकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो जो बर्फ़ जमती है वो और कम टेम्परेचर पर जमेगी, या हम यूँ बोल दें कि उसको जमने में डिफ़िकल्टी आएगी, तो वो इतना जल्दी जमेगा नहीं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं। इसी तरह से नीचे वाले फिगर के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक ट्रक है, उसके थ्रू सॉल्ट को ज़मीन पर छिड़का जा रहा है, ये भी आइस को मेल्ट होने से, आइस को मेल्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ठंडे देशों के अंदर जहाँ बर्फ़ जम जाती है। तो आइस ऐड करने से क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, तो ईज़िली मेल्ट हो सकती है। फिर इसमें हम आगे देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला कर्व ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, देखो पहले तो आप देखो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया हुआ है। अब ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई पे वेपर प्रेशर है। इसमें जो लाइन दिख रही है आप लोगों को ऊपर की तरफ लिक्विड सॉल्वेंट वाली, आप देख रहे हो इस लाइन के अंदर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है, ठीक है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर आपको दिख रहा है टी एफ नोट,
वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ये वाला, जिस पर ये करस्पोंडिंग ये जो लाइन खींची हुई है ना, ये वाली लाइन। तो ये जो टेम्परेचर है टी एफ नॉट है जिस पर ये फ्रीज़ हो गया। इससे कम टेम्परेचर होगा तो फ्रीज़ हो गया है, उसका भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन वो वेपर प्रेशर रेगुलर डिक्रीज़ होता जाएगा। उसकी लाइन थोड़ी डिफरेंट टाइप की आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि अगर उसी सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट हमने मिक्स कर दिया, तो पर्टिकुलर आप किसी भी एक टेम्परेचर पर लीजिए, जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स किया लिक्विड फॉर्म में था, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो इसके करस्पोंडिंग हम टेम्परेचर को देखें। मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट वाली लाइन है जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का देखोगे तो वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। अब हम जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसका भी वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा इस तरह से। लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये उस टेम्परेचर पर पहुँचेगा जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो उस पर सॉल्यूशन फ्रीज नहीं हुआ है, ये बात माइंड में रखना। तो उसको यानी अभी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो अगर उसको कन्वर्ट करना है तो हमको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो कम होते होते जैसे ही ये इस फ्रोजन सॉल्वेंट वाली लाइन पर टच होता है, तो उसके करस्पोंडिंग जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर ये फ्रीज हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ लिखा हुआ है टी एफ, मतलब ये हुआ अगर आप एज्यूम करो सॉल्वेंट यानी पानी ले लिया सपोज़, उसके अंदर हमने अच्छा उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमने 1 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी यूँ मान लो कि -1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो ये वही जो टीएफ दिख रहा है ये वही -1 डिग्री सेल्सियस होगा। अब एक और बात ध्यान देना, अगर हम 1 ग्राम के बजाय 2 ग्राम सॉल्यूट मिक्स कर देते तो हमको लाइन कुछ इस तरह की मिलती जो इससे भी नीचे की तरफ जाती है, तो वो टच होती तो उसमें टेम्परेचर और कम हो जाता। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व करोगे सॉल्यूट का तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा, यानी इस केस में हम बोल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये फिगर आप देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, जो डाउनलोड की हुई बुक है उसी के अंदर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन वाले केस में देखा था। ये वही ग्राफ है जो आप लोगों ने अभी देखा था। तो डेल्टा टी एफ इज़ प्रपोर्शनेट टू स्मॉल एम, मोलेलिटी है, यह हम पहले देख चुके हैं। ध्यान देना फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है, पहले जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उस केस में डेल्टा टी भी था, यहाँ पर ये डेल्टा टी एफ है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना डेल्टा टी एफ, ये डेल्टा टी एफ ये वाला जो आपको दिख रहा है ये, तो ये हमने क्या किया जो टी नॉट एफ है उसमें से टी एफ को माइनस कर दिया, तो ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। ध्यान देना जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस किया, लेकिन जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला केस है उसमें ये चीज़ उल्टी है। यहाँ पर ये चीज़ भी माइंड में रखना, इसके अंदर भी डेल्टा टी भी दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाली गैपिंग आई, पर इसमें सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस किया। कुल मिलाकर के हमारे पास में ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब वापस वो जो फार्मूला है उसको कंसिडर करो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ स्मॉल एम, स्मॉल एम मोलेलिटी है, और आपको पता है ये मोलेलिटी क्या चीज़ है, ये वाला जो फार्मूला है जिसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसके अंदर आप देख रहे हो जो कंपोनेंट टू है वो सॉल्यूट है, कंपोनेंट वन है वो सॉल्वेंट है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है ना W2 अपॉन M2, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट,
और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई थाउजेंड, यानि सॉल्वेंट की क्वांटिटी अगर आपको ग्राम में दी हुई है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो थाउजेंड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे ये क्वांटिटी किलोग्राम के अंदर आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। फिर आगे इसी को सॉल्व किया हुआ है, यानी स्मॉल एम की जगह हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन अपॉन थाउजेंड। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो के एफ इन टू डब्ल्यू टू इन टू थाउजेंड अपॉन एम टू इन टू डब्ल्यू वन। के एफ क्या है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं उसी स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर ये जो मोबाइल की स्क्रीन है इस पर ये वैल्यूज़ नहीं दिख रही है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, लेकिन इसके आगे का पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। आप इससे पहले जो भी बताया वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कुछ जो सेलेक्टेड सॉल्वेंट्स हैं उनके लिए इनकी वैल्यू दी हुई है, के एफ और के बी की वैल्यू, ठीक है। इसमें हमको वाटर के लिए ध्यान में रखना है, हालांकि अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो उनके अंदर ये वैल्यूज़ दी हुई रहेगी। आप देख रहे हो जो वाटर के लिए के एफ की वैल्यू 1.86 और वाटर के ही लिए के बी की वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस इफ़ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज़ प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, आप लोगों ने डिफ्यूज़न भी पढ़ा हुआ है, डिफ्यूज़न के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। डिफ्यूज़न को आप यूँ समझो जैसे किसी रूम के अंदर आपने परफ्यूम का स्प्रे किया, एक कॉर्नर में आप स्प्रे करोगे तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स उड़ते हुए दूसरे कॉर्नर तक पहुँचेंगे, तो ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है। लेकिन ये ऑस्मोसिस है, और इसमें क्या होगा, आपने मान लो कि जैसे दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, या उनमें से यूँ मान लो एक सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्वेंट है, उनको आपस में एक SPM से कनेक्ट कर रखा है या सेपरेट कर रखा है। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में है, या दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हैं उनके बीच में है, तो वहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो होता है जो SPM को क्रॉस करके सॉल्यूशन की तरफ जाता है, या फिर दो डिफरेंट सॉल्यूशन हैं तो ये बात माइंड में रखना, जिसकी कंसंट्रेशन कम है वहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हुए जहाँ कंसंट्रेशन हाई है वहाँ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम समझना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर समझिए। देखो ये वही है, लैपटॉप की स्क्रीन का स्नैप लिया हुआ है, उसके अंदर ये जो यू शेप की ट्यूब देख रहे हो, इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और राइट साइड में लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप यूँ भी मान सकते हो राइट साइड में आप केवल सॉल्वेंट ले लो तब भी ये प्रोसेस एप्लीकेबल होगा। अब इसी को जूम करके बताया हुआ है, नीचे की तरफ का जो पार्ट है ना जहाँ पर SPM लगाई हुई है, तो ये वाला जो पार्ट है उसको जूम करके बताया हुआ है। अब इसमें ध्यान देना, आप देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो छोटे साइज़ के हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स का मूवमेंट ये SPM को क्रॉस करके और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हालांकि ये भी पॉसिबल है कि पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, लेकिन ये बात माइंड में रखना कि जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो कौन सा होगा जिसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करें। दूसरी बात, आप ये भी देख रहे हो बड़ी साइज़ के पार्टिकल हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी SPM को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं,
तो जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसके अंदर ये बात माइंड में रखना कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं केवल वही SPM को क्रॉस कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का ही मूवमेंट होगा, ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। राइट साइड में अगर सॉल्वेंट या डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट इस तरह से होगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है, पाई इज इक्वल टू CRT, तो उसमें C क्या है, मोलेरिटी है, और R आइडियल गैस कॉन्स्टेंट है, और T केल्विन टेम्परेचर है। ध्यान देना, C इज इक्वल टू क्या होता है, N/V, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये जो पाई लिखा हुआ है, अगर आप गैस वाली इक्वेशन को रिकॉल करोगे तो PV इज इक्वल टू NRT आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसमें बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर है। तो यहाँ C क्या लिखा है, N/V के बराबर है, यानी V को अगर आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करोगे तो वो P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू NRT ही हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ ये सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ P लिखा हुआ है, वो P ना होकर के पाई आप उसको समझिए। तो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अभी आप लोगों ने जो डायग्राम देखा, SPM लगाई हुई है, अगर हम सॉल्यूशन की साइड में इतना प्रेशर अप्लाई करें कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाए या वो प्रोसेस रुक जाए, तो जो प्रेशर एक्स्ट्रा हमने लगाया वही क्या होगा, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। एक बात और माइंड में रखना, अगर हम उस प्रेशर को इनक्रीज कर देंगे तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाएंगे। इसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो RO प्लांट का पानी आप पीते हो ना, जिसको बोलते हैं ये RO का पानी है, वो RO की फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस से हम पानी को प्यूरीफाई कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप देखिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इनकी वैल्यूज़ दी हुई है वाटर के लिए। ध्यान देना, जो सेकेंड सेक्शन आपको दिख रहा है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, पहला वाला केस देखिए, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया हुआ है 1000 ग्राम वाटर या 1 kg वाटर के अंदर, तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट वाले कॉलम में देखिए 2.4 atm आ रहा है, मतलब 0.1 mol डिसॉल्व किया है। आपको पता है ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 18/180 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आप देखिए इसी में नीचे, ध्यान देना, 180 ग्राम डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आप देख रहे हो 24 atm। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमने कंसंट्रेशन को 10 times कर दिया है, 10 times कर दिया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी 10 times हो गया है। यहाँ ये प्रूफ हो रहा है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, ध्यान देना ये आपके सिलेबस से हट चुका है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे।